तो दोस्तों 2024 की बेस्ट 5 मूवीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें आपको जबरदस्त एक्शन कॉमेडी क्राइम थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और सारी ही मूवीज 2024 की ही हैं। चलो अब लिस्ट को स्टार्ट करते हैं सीधे, और पहली मूवी का नाम है हिटमैन। उसकी कहानी है गैरी नाम के बंदे के अराउंड, जो कि भाई कहीं पे किसी लोगों से मिलने जाता है और अपने आप को एक हिटमैन प्रटेंड करता है। मतलब सिर्फ प्रटेंड करता है, होता नहीं है हिटमैन। अब प्रोफेशनली तो एक टीचर होता है, लेकिन पुलिस की हेल्प करने के लिए ये वाली चीज वो बार बार करने लग जाता है। इसका ये जो काम होता है काफी स्मूथ चल रहा होता है। वो पुलिस की मदद करता रहता है, काफी क्रिमिनल वगैरह को पकड़वा चुका होता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब एक लड़की से मिलने जाता है। इस लड़की से दिल लगा बैठता है, फिर इसके बाद उसके साथ किया होता है। ये हमको मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। इस मूवी में अच्छी कॉमेडी लाइट एक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी का नाम है सिविल वॉर, और इसके अंदर हमको दिखाया गया है कि अमेरिका के अपने ही अंदर जंग छिड़ चुकी है। लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं, मतलब भाई फुल ब्रूटल तरीके से। तो इस मूवी के दौरान दो जर्नलिस्ट के थ्रू हमको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई जाती हैं, और इस मूवी में आपको फुल ब्रूटल वाला एक्शन थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो ये वाली मूवी आपको देखने के लिए ज़रूर रेकमेंड करूँगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है द आइडिया ऑफ यू, और ये एक रोमांटिक मूवी है जिसके अंदर 40 साल की लेडी होती है जिसको 24 साल का लड़का पसंद आने लग जाता है। तो अब उन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, दोनों के बीच में कैसी दिक्कतें आती हैं, हमको इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। वैसे काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है उनके लिए जिनको रोमांटिक मूवीज अक्सर देखना पसंद है। तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। ये आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मूवी का नाम है बैड बॉयज राइड अ डाई। इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास कुछ केस आते रहते हैं, जिनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर देते हैं, लेकिन इस बार भाई उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यही जो अभी तक क्रिमिनल लोगों को पकड़ते आ रहे थे, ये खुद क्रिमिनल बन जाते हैं, ये खुद वांटेड हो जाते हैं पुलिस की नज़र में। तो अब इन दोनों के साथ किया होता है, ये चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, ये हमको मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और यकीन मानो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे एक्शन और कॉमेडी के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इस मूवी को देखना ज़रूर रेकमेंड करना, और हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मूवी का नाम है गारफील्ड, और ये मूवी भाई सच में मुझे बहुत पसंद आई थी। उसकी कहानी गारफील्ड नाम के छोटे से बले के अराउंड है, जो कि बचपन में खो गया होता है। उसको एक इंसान ने गोद ले लिया होता है, वो इंसान इसको पालता है, लेकिन काफ़ी सालों बाद जो इसके फादर ने उसको छोड़ दिया होता है, वो उस वक्त दोबारा मुलाकात करता है। गारफील्ड भाई जैसे अपने फादर से मिलता है, इसका क्या रिएक्शन होता है, और बल्कि फादर की ही वजह से वो एक मुसीबत के अंदर फंस जाता है। तो फादर और बेटा मिलके किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, ये सब इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और ये मूवी हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उन सारी मूवीज़ में से कौन सी मूवी देखोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।